to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर हॉस्टल आवंटन करने में अनावश्यक देरी करने के आरोप लगाए हैं। एबीवीपी के विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष मनदीप चंदेल ने कहा है कि नया सत्र शुरू हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक छात्रों को हॉस्टल आवंटित नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन पर हॉस्टल आवंटन प्रक्रिया को जटिल बनाने के भी आरोप लगाए हैं। हमारे मुद्दे जो विश्वविद्यालय के अंदर फीस वृद्धि का प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाया, हम उसका पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि हॉस्टल में जो फीस वृद्धि हुई है अभी 2060 से 3160 के बीच में हॉस्टल की फीस वृद्धि हुई है। अभी आपकी 875 से 3000 तक आपकी सिक्योरिटी की फीस वृद्धि हुई है। आप इस फीस वृद्धि के ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को कौन सी सुविधाएँ मुहैया करवा रहा है, और क्या आप शिक्षा का बाजारीकरण इस प्रदेश विश्वविद्यालय में कर रहे हैं? कि हमारा जो हॉस्टल के अंदर परमानेंट 60 डाइट्स का मुद्दा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बरमाना में स्थानीय लोगों ने सीमेंट कंपनी के खिलाफ रैली निकाली और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी स्थानीय युवाओं की अनदेखी कर बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है। कंपनी विस्थापितों को व प्रभावितों को भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे रही। लोगों ने कंपनी पर प्रदूषण फैलाने का भी आरोप लगाया है। लोगों ने चेताया कि कंपनी ने यदि स्थानीय लोगों के मुद्दे को हल नहीं किया तो वे उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। बरमाणा में स्थानीय लोगों ने सीमेंट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सर्व शिक्षित एवं बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले जुटे लोगों ने कंपनी पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाए। समिति के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा कि कंपनी स्थानीय लोगों की बजाय बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है, जबकि समझौते के मुताबिक स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी थी। उन्होंने कहा कि विस्थापितों और प्रभावितों को भी नाम मात्र की सुविधाएं दी जा रही हैं। अमरजीत ने कहा कि यदि कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया और उनकी अन्य मांगे नहीं मानी तो वे उग्र आंदोलन छेड़ने पर विवश होंगे। और यहाँ पर बाहर के राज्यों के लोगों को ही रोजगार दिया जा रहा है, जबकि हमारे विस्थापित एवं जो प्रभावित लोग हैं उनकी अनदेखी की जा रही है ACC प्रबंधन वर्ग द्वारा, और जितने भी रोजगार के साधन है बाहर के लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारे लोगों को नाम मात्र जो भी चिकित्सा सुविधा है या कोई भी सुविधा है वो सिर्फ नाम मात्र दी जाती है। और जैसे हमारे पहले फादर एंड सन स्कीम जो थी ACC ने लागू करके रखी हुई थी, लेकिन आज की डेट में इन्होंने ना जाने किन किन के साथ समझौता करके उस स्कीम को भी बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर, 7C हिमाचल आजकल। मुरम्मत कार्यों के कारण नगर निगम शिमला के कार्यालय को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश की जा रही है। नगर निगम के मौजूदा भवन में दरारें पड़ जाने के कारण जगह जगह लीकेज हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस भवन की मुरम्मत के लिए निगम को कार्यालय खाली करने के लिए कहा है। नगर निगम के आयुक्त MP सूद ने बताया कि वैकल्पिक स्थान मिलते ही सितंबर अक्टूबर माह में कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
नगर निगम शिमला के कार्यालय को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निगम के मौजूदा भवन में दरारें पड़ जाने के कारण जगह जगह लीकेज हो रही है। निगम के आयुक्त एमपी सूद ने बताया कि सरकार को पत्र लिखकर कहा गया है कि कार्यालय उसी शर्त पर स्थानांतरित किया जाएगा यदि इस बात का पक्का आश्वासन मिले कि मुरम्मत के बाद इस भवन को वापस नगर निगम को ही सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि गेटी थिएटर की मुरम्मत के बाद भी उसमें स्थित नगर निगम की संपत्तियों को नहीं लौटाया गया था। टाउन हॉल है, इसको अस्थायी रूप से शिफ्ट करने की जरूरत है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से टूरिज्म डिपार्टमेंट जैसे गेटी कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार किया है। सरकार से हमने ये कहा है कि एक तो वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करें जब तक ये ठीक होकर हमें दोबारा नहीं मिल जाता। दूसरा, नगर निगम ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें सरकार से ये अंडरटेकिंग इससे पहले कि हम टूरिज्म डिपार्टमेंट को इसको हैंड ओवर करें फॉर रेनोवेशन एंड रिपेयर्स, कि हमें ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए कि जब ये इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा, इसकी रेनोवेशन हो जाएगी, तो ये दोबारा जो है नगर निगम शिमला को ही वापस बिल्डिंग दे दी जाएगी। शिमला नगर निगम कार्यालय के स्थानांतरण में यह संदेह बना हुआ है कि मुरम्मत कार्यों के बाद यह कार्यालय निगम को वापस मिलेगा या नहीं। गेटी थिएटर की मुरम्मत के समय भी ऐसा हो चुका है कि उसमें स्थित निगम की संपत्तियों को नहीं लौटाया गया था। विशाल ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मिडल बाजार शिमला में स्थित शिव मंदिर में सावन माह के प्रत्येक सोमवार को होने वाली विशेष पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन माह की विशेष पूजा के लिए शिव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर के पुजारी पंडित बोधराज ने बताया कि सावन माह के प्रत्येक सोमवार को होने वाली विशेष पूजा की मान्यता ये है कि पार्वती ने इसी माह सोमवार को भगवान शिव को पाने के लिए तप शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं। मिडल बाजार शिमला में स्थित शिव मंदिर में सावन माह की विशेष पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर के पुजारी पंडित बोधराज ने बताया कि सावन माह के प्रत्येक सोमवार को होने वाली विशेष पूजा के पीछे मान्यता है कि मां पार्वती ने इसी माह सोमवार को भगवान शिव को पाने के लिए तप शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं। इस महीने में पार्वती ने शिव को पाने के लिए विशेष तप किया था, कठोर तप किया था, और माघ महीने में जो 14 के दिन शिव की प्राप्ति है, शिवरात्रि वाले दिन ही शिव प्राप्ति। श्रावण महीने में, श्रावण मास का विशेष महत्व यह है कि हर एक महीना पर लोग जल चढ़ाते हैं, कई तरह से जल चढ़ाते हैं, कई दूध का जल, 16 प्रकार से अनेक तरह से पूजन करते हैं और पंडितों से करवाते हैं। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को प्रदेश में सभी शिव मंदिरों में धार्मिक मेले लगते हैं, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का सावन अष्टमी मेला 20 से 29 तक चलेगा। प्रशासन में मेले के श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के भीतर नारियल ले जाने पर पाबंदी होगी। वहीं मेले के दौरान मंदिर व आसपास धारा 144 लागू रहेगी। ढोल नगाड़े व चिमटे बजाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी। चिंतपूर्णी में 20 से 29 जुलाई तक होने वाले सावन अष्टमी मेले के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। मेले की सुरक्षा का जिम्मा होमगार्ड तथा पुलिस के 1200 से अधिक जवान पर होगा। मेले के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के अंदर नारे ले जाने पर मनाही होगी। इसके अलावा मेले के दौरान ढोल नगाड़ों व चिमटे बजाने पर भी पाबंदी रहेगी। बिजली पानी सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है, इसके लिए अलग से जो लोगों की नियुक्ति की जाती है इस मेले के दौरान, उनकी नियुक्तियां भी कर ली गई है। 144 धारा जो लगती है, जिसमें कि हम किसी आदमी को आर्म्स और अमिनेशन ले जाने से पाबंदी लगाते हैं, और ढोल नगाड़ों पर पाबंदी लगती है, नारियल ले जाने पर पाबंदी लगती है, वो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो मेलों से शुरू होने से पहले जो है उसकी संबंधित नोटिफिकेशन जो है वो कर ली गई है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अब की बार पर्ची सिस्टम द्वारा ही पावन पिंडी के दर्शन करवाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। डिम डिम डोल
लकीरा बाजा तू बाजे पर नचया निमाहे गुलाबी हो तू हसी करी दस्यो निमाहे ओए चिट्टे तेरे दंद गुलाबी हो तू हसी करी दस्यो निमाहे ओ हसी तेरी लोका जो जलाए तू मंदे मंदे हस्यो निमाहे ओ हसी तेरी लोका जो जलाए तू मंदे मंदे हसियो निमाहे। आशा करते हैं कि आपने इस पहाड़ी मधुर गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लीजिए अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनाव आयोग से आचार संहिता लागू करने की मांग। भाजपा सरकार पर लगाए सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप। आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह ने कहा कि पेयजल योजनाओं से हो रही प्रदेश की जनता लाभान्वित। रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा भाजपा कर रही है आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन, नहीं मिल रहा जनता को कोई भी लाभ। सावन माह शुरू होते ही प्रदेश में चल रहा है उत्सवों का माहौल, मंदिरों में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200 01772629411। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677.